हेलो। हेलो। हाँ, चंदन कुमार से बात कर रहा जी। हाँ बोलिए कौन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से बात कर रहा हूँ। आपने एसटीटी का एग्जाम दिए थे, हाँ दिया था। तो इसमें आपका मतलब क्या है? फादर नेम क्या है? राम निवास सिंह है। हाँ और मदर नेम क्या है? इंदू देवी। और इसमें आपका बर्थ अपडेट 12/1995 है ना? इसमें आपका बर्थ अपडेट बिहार से हो ना? तो इसमें आपका बाबू मदर नेम का आधार नंबर मिला सकते हो? नहीं अभी तत्काल नहीं मिला सकते। तो इसमें आपका लिख सकते हो, मैं मिलाता हूँ ना, RRS1। इसमें आया वो है ना जी डॉक्यूमेंट? इसमें आपका मतलब ये जो फॉर्म भरे था ना एसटीटी का, जो इनक्लूड हो रहा है, मतलब करवाना चाहते हैं मैनेज के रूप में, आपका कुछ डोनेशन के तौर पे कुछ खर्च पड़ जाएगा इसमें। अच्छा हाँ हाँ, तो इसमें आप करवाना चाहते हैं तो आपका एक बारकोड, इसमें 15,000 का खर्च पड़ता है, जिसमें आपका 7,500 हाफ पेमेंट लगता है पहले, ठीक है? इसमें एक बारकोड के द्वारा आपका मैसेज आएगा, ठीक है, बिहार विद्यालय समिति द्वारा, ठीक है? तो इसमें आप करवाना चाहते हैं सक्षम, तो इसमें आपका 7,500 का खर्च पड़ेगा आधा हाफ, उसके बाद आपका 1 हफ्ता के बाद रिजल्ट जाएगा पूरा। क्या चीज करवाने के लिए। मतलब ये जो रिजल्ट जो कैंसिल हो रहा है आपका, हाँ, जो रिजल्ट कैंसिल हो रहा है। पहले वाला जो एग्जाम हुआ था। हाँ, ये वाला जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वाला जो फॉर्म भरे था ना, 9 साल के बाद तो निकलता है, 8 साल के बाद, हाँ तो इसी का वेरीफाई हो रहा है, मतलब जांच हो रहा है, ठीक है? तो इसमें आपका मेरिट की मतलब इसमें नंबर 2% के कारण इनका ये नहीं, मतलब क्वालिफाई नहीं हो रहा है, ठीक पहले है? वाले वाला इसमें एग्जाम तो में कि दूसरा एग्जाम। आपको बताया ना गया है, इसमें क्या दूसरा और पहला तो आप ही जानिएगा ना। इसमें आपका बर्थ अपडेट 1995 है। हाँ, नहीं, वो नहीं पूछ रहे हैं। जैसे एक हुआ था 28 जनवरी को, एक हुआ अभी कुछ दिन पहले। अच्छा नहीं, ये कुछ दिन पहले नहीं, 28 जनवरी वाला वही जो पहले हुआ जो है। अच्छा 28 जनवरी वाले ने। हाँ, ये दो अच्छा तीन दिन अच्छा पहले वाला केस भी आ जाएगा। अच्छा अच्छा 28 जनवरी वाला में ना। हाँ, अच्छा हाँ बताइए। तो इसमें मतलब सिलेक्शन मैसेज मतलब मैनेज करने के लिए इसमें आपका कुछ खर्च पड़ जाएगा, ये बोल रहा हूँ, आपको करवाना है ये। कितना नंबर से रह रहा है मेरा, इसमें कितना नंबर से पीछे हैं। एक नंबर से भी कम हो जाता है ना बाबू, तो छट जाता है, ठीक है? वही तो हम पूछ रहे हैं कितने नंबर से पीछे हाँ, हैं। 380 है, ठीक है? 380 है मेरा। अच्छा हाँ, सिलेक्शन कितना पे हो रहा है। इसमें 85 पे हो रहा है, ठीक है? 5%, मतलब 5 नंबर से घट रहा है। 385 पर हो रहा है। तो इसमें आपको मैनेज के रूप में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मतलब दिया जा रहा है, ठीक है? हाँ, अब BSEB से बोल रहे हैं। आप हाँ बिहार तो विद्यालय समिति से, हम लोग छोटे कर्मचारी होते हैं जिनका इन्फॉर्मेशन डेजिग्नेशन चला। क्या आपका, चीज? डेजिग्नेशन आपका क्या हुआ, डेजिग्नेशन रिजन? किस पोस्ट पे हैं आप। हम अपने मतलब कर्मचारी, मतलब जो जांच पड़ताल होता है ना, जिनका मतलब इन्फॉर्मेशन देने का काम होता कहने है, का छोटे मतलब मोटे क्लर्क हैं है। कर्मचारी। एक सीओ था, हाँ, एक सीओ अच्छा साहब भी है मेरे पास, ठीक है? अच्छा उनको आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको मतलब मिल जाएगा। और ऐसे यहाँ से बारकोड के द्वारा, जैसे ही आप पेमेंट कीजिएगा ना, मतलब हाँ हाँ हाफ पेमेंट करने के बाद यहाँ से बारकोड, एक बारकोड जाएगा आपके मोबाइल पे मैसेज, अच्छा वहाँ पे सारा सिलेक्शन दिखाएगा आपको क्या है। अच्छा बारकोड कैसे चलेगा पेमेंट करने के बाद। हाँ, यहाँ से मैसेज आएगा आपका, मतलब सिग्नेचर मोहर के आपका मैसेज आएगा, मतलब आपका फैक्स होगा, या तो मतलब साइड में रखा रहेगा, नहीं कीजिएगा तो ऐसे होगा ना, यहाँ से फाइनल हो रहा है। अच्छा तो अपन जरा हेड हाँ, से तो बात करा इसमें दीजिएगा क्या हमें। हाँ हेड से बात कर लीजिए, क्या दिक्कत? हाँ ये सीओ सर है, सीओ सर, ठीक है? सीओ सर हैं। हाँ, सीओ सर है, उनसे थोड़ा सा आप बात कीजिए, अगर जो कुछ ज्यादा वो जानकारी के लिए, ऐसे तो यहाँ पे आपका मतलब हम लोग का इन्फॉर्मेशन देना काम होता है। अच्छा दीजिए तो सर, सीओ सर बात करेंगे। यस हेलो। हाँ बोलिए।
यस बोलिए, आप बोलिए। अच्छा, बोला था कि 28 जनवरी का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट बन रहा है। आप एसटीटी का एग्जाम नहीं, आपको याद नहीं कब एग्जाम देते हैं? इसका ऑलरेडी बार का स्टार्टिंग है, एक सप्ताह के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा जिसमें आप अनक्वालिफाई कर रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, एसटीटी का एक एग्जाम कैंसिल भी हुआ ना, इसीलिए मैं कंफर्म होना चाह रहा हूँ। आप अपने एडमिट कार्ड निकाल के चेक कर लीजिए, अगर आप एग्जाम देंगे तो आपको याद होगा। आप हमें पूरी तरह से याद है, एक एग्जाम मैंने 28 जनवरी को दिया था और एक महीने पहले दिया अभी। हाँ तो कौन सा वाला का रिजल्ट का बात कर रहे हैं? 28 जनवरी वाले का जो, या फिर अभी जो ऑनलाइन एग्जाम दिया उसका बात कर रहे हैं? आप एडमिट कार्ड निकाल के एप्लीकेशन नंबर नोट कीजिए, आप नोट कर लीजिए, आप देख लीजिए, मैच कर लीजिए, जो मैच कर गया एडमिट कार्ड समझ लीजिए मेरा जो ही हुई है। हाँ, क्या ये सब काम करवाएंगे जी, इनको लोग को याद नहीं एग्जाम कब देते हैं। जाइए इधर। हेलो, हाँ क्या हुआ? बोलिए ना। क्या हुआ जी? चंदन कुमार क्या हुआ? हाँ बताइए ना, वो तो गुस्सा रहे हैं, बता ही ना रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि अभी आपको तो आधार कार्ड मिलाने का मतलब बात ही नहीं कर रहे हैं, मतलब ये तो मैं भी आपको प्रोसेस दिया गया, मतलब प्रेशर मतलब दिया जा रहा है, तो आप बोल रहे हैं मिलाएंगे कहाँ से? यही क्या, क्या मिलाएंगे? तो आपको इसमें मतलब करवाना है जी? अरे वही तो पहले कंफर्म तो हो लें, आप कहना क्या चाहते हैं? तो कहना क्या चाहते हैं, तो आप क्या पूछ रहे थे? सीईओ सर है ना जी, वो सब इतना बर्दाश्त करते हैं, मतलब हम लोग तो मतलब छोटे कर्मचारी हैं, तो हमको डिटेल देना काम होता है। फ्री में काम कर रहे हैं जी कि बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा बात कर रहे हैं मर्दे आप? फ्री में काम नहीं काम कर करेंगे वो लीजिए। नहीं, हमको बताइए ना, फ्री में बात करेंगे वो काम करेंगे मेरा? नहीं फ्री में तो नहीं काम करेंगे, लेकिन मतलब पूछेंगे ना डिटेल। हाँ डिटेल पूछिएगा, यहाँ पे आपको सारा चीज है, लेकिन आप जो इधर सुनिए ना, हाँ। आप जो पेमेंट कीजिएगा ना, तो उसमें आपका सारा बार कोड पे लिखा रहेगा, और जितना बात करना होगा बहुत सारा बात कीजिएगा, क्या दिक्कत है आपको? सारा अभी 7 दिन पहले ही जब कर ही देंगे तो फिर बात करके क्या फायदा? जो बात पहले करने में ना फायदा है हो, कि जब पेमेंट कर ही देंगे तो क्या करेंगे? नहीं 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 वो भी कीजिए। अरे पूछ रहे हैं भैया सी एस यस हेलो, हाँ बोलिए। अरे हम पूछ रहे थे कि बीएससीटी जो एग्जाम लिया था एसटीईटी का, वो 28 जनवरी को लिया था। ये आपका ऑनलाइन जो एग्जाम पड़ा था, आपका 9 से लेके 21 के बीच में पड़ा था, अलग अलग देश में सब ऑनलाइन वाले का? नहीं, यही तो हम पूछ रहे हैं ना, ऑनलाइन वाले का जो 1 महीना पहले हुआ उसका बात कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कीजिएगा, क्या बनिएगा आप लोग बताइए? वही जो आप बनाना चाहते हैं, बेरोजगार। क्या बेरोजगार हम बना रहे हैं आप लोग? वही जो आप कर रहे हैं, बेरोजगारी। क्या जी कर रहे हैं? बेरोजगारी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? रखिए फोन, आप फोन रख दें। कहे जी सीओ साहब।